दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की समरी को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लॉग के लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरिक इब्सेन का एक प्ले ए डॉल्स हाउस को। फर्स्ट टाइम दिसंबर 1879 में परफॉर्म किया गया हेनरिक इब्सेन का प्ले ए डॉल्स हाउस को उस समय के लिए इनक्रेडिबल सक्सेस और इमीडिएट क्रिटिसिज्म दोनों एक साथ मिले थे। उस समय शादी और परिवार पर हाईली कॉन्ट्रोवर्सियल व्यूज थे और यह एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ नोरा हैमलिन को फॉलो करता है क्योंकि वह अपने पति टॉरवाल्ड के जीवन को बचाने के लिए एक इलीगल लॉन के परिणाम का सामना करती है। हालांकि जैसे ही वह विक्टोरियन जेंडर रूल को नेविगेट करती है और उसकी शादी को रोकने का भ्रम दूर करती है, उसे पता चलता है कि अब वह किसी की डॉल वाइफ होने के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि आलोचकों ने दावा किया है कि एक डॉल हाउस ने ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया है और इसके प्रशंसक जो उसके जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो बताते हैं इसके बारे में, रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स डिक्शनल ऑफ इंडिविजुअल और परिवार के भरोसेमंद इंस्पायरिंग और से और इसके रिफ्रेशिंग लगते हैं। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए, तो पहले कैरेक्टर्स बता लेते हैं। द मैन कैरेक्टर इन अ डॉल्स हाउस नोरा टॉरवाल्ड हेलमर क्रिस्टीन लिंडे एंड नील्स कोटोगस्ट एंड डॉक्टर रैंक। नोरा हेलमर टॉरवाल्ड की पत्नी है। वह अपने पति से अपने फाइनेंशियल लोन को छुपाती है और अल्टीमेटली लेव हिम आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही लव हिज लव फॉर हर सुपरफिशियल। टॉरवाल्ड हैमलर नोरा के पति हैं। वह अपनी पत्नी को यह जानकर डिसमिस कर देता है कि उसने लोन लेकर अपनी रेपुटेशन से कॉम्प्रोमाइज किया है। मिस लिंडे ने लिंडे इज नोरास रिसेंटली विडो फ्रेंड, एक विधवा फ्रेंड है। नेल कोकस कॉकस्टेड एक विडो बैंक एम्प्लॉय है हु ब्लैकमेल नोरा ओवर हर लोन। डॉक्टर रैंक इज अ टर्मिनली इल फैमिली फ्रेंड ऑफ हर हैमलर्स। ही इज इन लव विथ नोरा। और इसकी थीम, इसमें जो मेन थीम है जेंडर रोल एंड द जनरल नेचर ऑफ प्राइड एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड द रियलिटी। तो चलो इसे शुरू करते हैं। इसको एक्ट में डिवाइडेड है, ये एक्ट फर्स्ट है। ये प्ले नोरा हैमलर की क्रिसमस शॉपिंग से घर आने पर स्टार्ट होता है और उसका हस्बैंड टॉरवाल्ड उसे इतने पैसे स्पेंड करने के लिए सैल्यूट करता है कि उसने खेल खेले में इतने पैसे स्पेंड कर दिए। नोरा आर्ग्यूज दैट टॉरवाल्ड को हाल ही में वर्क पर प्रमोट किया गया था, इसीलिए हैमलर्स के पास पिछले वर्षों की तुलना में अधिक फाइनेंशियल प्रॉफिट है। एज दे टॉक द डॉरबेल रिंग्स, जैसे वो बात करते हैं डॉरबेल बजती है। हैमलर्स की मेट इन्फॉर्म करती है कि दो गेस्ट आए हैं, डॉक्टर रैंक अ क्लोज फैमिली फ्रेंड हु इज टर्मिनली इल एंड मच टू नोराज शॉक हर ओल्ड स्कूल फ्रेंड क्रिश्चियन लिंडे। उसकी एक ओल्ड फ्रेंड है स्कूल की, क्रिश्चियन लिंडे, वो भी आई। गेस्ट के एंटर के बाद डॉक्टर रैंक एंड टॉरवाल्ड मीट इन द टॉरवाल्ड स्टडी वाइल नोरा एंड मिस लिंडे रिमेन इन द सिटिंग रूम। वो दोनों एक अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं और जो नोरा और वह वो एक अपने नीचे सिटिंग रूम में ही बैठे रहते हैं। नोरा पिटिंगली रिमार्क्स दैट मिस लिंडे इज नाउ अ चाइल्डलेस विडो और टॉरवाल्ड से शादी करने के बाद टच में नहीं रहने के लिए माफ़ी मांगती है। मिसेस लिंडे बताती है कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद से एक कठिन जीवन जिया है, उन्हें लगता है कि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मिसेस लिंडे को उम्मीद है कि नोरा उसे बैंक में नौकरी देने के लिए टॉरवाल्ड को कन्वेंस कर सकती है और नोरा अपने हस्बैंड से पूछने के लिए एग्री है। नोरा फिर शादी के अपने पहले साल के प्रॉब्लम्स को याद करती है जिसमें टॉरवाल्ड ओवक से बीमार पड़ गए थे और अपने हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए हैमल्स को इटली की एक्सपेंसिव ट्रिप करनी पड़ी थी। एट फर्स्ट नोरा क्लेम दैट हर वेल्थी फादर गेव देम द मनी। वो बोलते हैं कि उसके जो अमीर फादर हैं उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए थे। हालांकि मिसेस लिंडे ने जोर देकर कहा कि नोरा ट्रू सफरिंग को नहीं समझती। नोरा को पता चलता है कि उसने लोन लेकर पैसा हासिल किया था कुछ ऐसा जो उसने कानून रूप से नहीं करना चाहिए था, उसको लीगली नहीं करना चाहिए था। जब कॉक्स ट्रेड नाम का एक लो लेवल बैंक एम्प्लॉई टॉरवेल्ड को देखने की रिक्वेस्ट करता है, उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, तो नोरा और मिसेस लिंडे दोनों अनइजीली रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर रैंक जो टॉरवेल्ड के साथ थे वो अब नीचे आ गए क्योंकि शायद कोस्टर को प्राइवेसी देने के लिए कि उसको प्राइवेट में बात करनी है, तो वो अब नीचे आके नोरा और मिसेस लिंडे को ज्वाइन कर लेते हैं एंड रूममेथी और कोस्टर को मॉरली सिक कहते हैं। टॉरवाल्ड और कोस्टर की मीटिंग एंड खत्म होने के बाद
टोलवर्ड, डॉक्टर रैंक और मिसिस लिंडे एमएस के घर से चले जाते हैं, लिविंग नोरा टू प्ले विथ हर चिल्ड्रन। कॉगस्ट्रेड जल्द ही नोरा के साथ प्राइवेटली बात करने के लिए आता है। वह उसे बताता है कि वह उसके लोन का सोर्स है। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वह जानता है कि नोरा इलीगली बॉन्ड पर अपने पिता के सिग्नेचर किस तरह से लेके आई थी, उसे पता है। टोरवाल इंटेंड टू फायर कॉगस्ट्रेड फ्रॉम द बैंक, जो टोरवाल था उसको बैंक से निकालने की बात करता है। सो कॉगस्ट्रेड यूज द प्रूफ ऑफ नोरास फॉरक्रेसी टू ब्लैकमेल हर इनटू एडवोकेट फॉर हिम। जब टोरवास घर लौटता है, नोरा उसे कॉगस्ट्रेड को बैंक में एम्प्लॉय रखने के लिए कन्वेंस करती है कि उसे यहीं इसमें रखे रखे, उसे निकाले नहीं। टोरवाल ने कॉगस्ट्रेड की एडवर्टिंग करने के लिए उसका पीछा किया और रिवेल किया कि कॉगस्ट्रेड की रेपुटेशन को खराब करने वाला ओरिजिनल क्राइम फेक था। टोरवाल आगे कहते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं और अपने परिवार को सीक्रेट रखते हैं, बस इतना ही। एंड दिस ओपिनियन डिस्टर्ब टू नोरा, नोरा को ये जो ओपिनियन था वो डिस्टर्ब कर देता है। अब यहाँ पे दूसरा एक्ट प्ले होता है। नोरा नर्वसली पेस द लिविंग रूम। उसकी नौकरानी एनी मैस मैरी इस ड्रेस के साथ आती है कि नोरा नेक्स्ट नाइट एक पार्टी में पहनेगी। उस ड्रेस को पहने आती है जो उसको नेक्स्ट नाइट पार्टी में पहननी थी। नोरा और एनी मैरी के रूप में नोरा रिवेल दैट शी हैज़ बीन अवॉइडिंग सीइंग हर चिल्ड्रन। शी ऑल्सो सेड दैट दे वुड प्रोबेबली फॉरगेट अबाउट हर इफ शी लेफ्ट फॉर गुड। मिसेस लिंडे नोरा को पार्टी के लिए उसकी ड्रेस में सेलेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प करती है। वह नोरा से डॉक्टर रैंक के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछताछ करती है, इंप्लाइंग दैट नोरा मे हैव रिसीव द मनी फ्रॉम हिम। नोरा डिजाइन दैट द एक्यूशंस बट सीम्स इंटीग्रेटेड बाय द आइडिया। उनकी कन्वर्सेशन टोरवाल के आने से इंटरप्टेड होती है। नोरा वंस अगेन अटेम्प्ट टू कन्वेंस टोरवाल नॉट टू फायर कॉगस्ट्रेड। उन्हें उसे बताती है कि वह वरी है कि कॉगस्ट्रेड हेम्स के बारे में रॉन्ग आर्टिकल लिखेंगे। टोरवाल रिश्योर दैट कि वह किसी भी नतीजे को संभाल लेगा जो केवल नोरा को और परेशान करता है। सी वो नॉट टू अलो टोरवाल टू टेक द फॉल फॉर हर एक्शन। डॉक्टर रैंक जल्दी ही आते हैं और नोरा को इन्फॉर्म करता है कि वह जल्दी मरने वाला है। ही आस्क नोरा नॉट टू टेल टोरवाल बिकॉज टोरवाल डज नॉट हैंडल अगली थिंग्स वेल। जैसा है कि वह बात करते हैं डॉक्टर नोरा डॉक्टर रैंक से पूछती है कि क्या वह उसका फेवर लेगा। वह एग्री होता है और जोड़ता है और कहता है कि उसके लिए कुछ भी करेगा बिकॉज ही इज इन लव विथ हर। अनसेटल्ड बाय हिज रिमार्क नोरा डॉक्टर रैंक को डांटती है और उसे बताने से इनकार करती है कि वह उसने किस फेवर से उसके लिए पूछने की प्लान बनाया। देयर कन्वर्सेशन इज इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ अ विजिटर। फिर से इनकी कन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है विजिटर्स के आने से। नोइंग दैट इट इज कॉगस्ट्रेल, नोरा आस्क डॉक्टर रैंक टू कीप टोरवाल ऑक्यूपाइड, क्लेम दैट वह नहीं चाहती कि उसका पति उसे उसकी फिनिश्ड ड्रेस में देखे। कॉगस्ट्रेल रिवेल दैट उन्हें अपना डिसमिसल लेटर मिला। वह नोरा से कहता है कि उसका सार्वजनिक रूप से अपने फ्रॉड का एक्सपोज करने का इरादा नहीं था, इसके बजाय उसने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए बैंक में प्रमोशन देने के लिए टोरवाल को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी। नोरा ने टोरवाल को इस स्कैम को छोड़ने के लिए अपनी खुद की लाइफ एंड करने की धमकी दी, लेकिन कॉगस्ट्रेड उसे बताता है कि यह कुछ भी नहीं बदलेगा। टोरवाल इज स्टिल सोशली अकाउंटेबल फॉर हर एक्शन। एज ही लीव कॉगस्ट्रेड ड्रॉप ए लेटर एक्सप्लेनिंग नोराज एक्शन इन टू द हैमलर्स लेटर बॉक्स। उसने उसके लेटर बॉक्स में एक लेटर छोड़ दिया जिसमें एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे एक्सप्लेन उसने जो फ्रॉड किया उसके बारे में। कॉगस्ट्रेड के जाने के बाद नोरा ने फ्रेंचिन को मिसेस लिंडे को सब कुछ बता दिया। शॉक्ड मिसेस लिंडे इन्फॉर्म नोरा दैट सी एंड कॉगस्ट्रेड यूज टू बी ए रोमांटिकली इन्वॉल्व, एक दोनों प्यार करते हैं। मिसेस लिंडे प्रोमिस टू ट्राई टू कन्वेंस कॉगस्ट्रेड टू टेक हिज लेटर बैक। इस बीच नोरा टोरवाल्ड को लेटर पढ़ने से रोकने के लिए ट्राई करती है। शी आस्क हिम टू हेल्प हर रिहर्स द डांस शी इज सेट टू परफॉर्म एट द पार्टी द नाइट नेक्स्ट नाइट। मिसेस लिंडे रिटर्न विद द न्यूज दैट कॉगस्ट्रेड हैज लेफ्ट टाउन, कि वह टाउन से बाहर चला गया, विल नॉट रिटर्न अंटिल द फॉलोइंग नाइट, शायद वो इस नाइट तक वापस नहीं आएगा। मिसेस लिंडे लेफ्ट अ लेटर फॉर हिम एंड प्लान टू स्पीक विद हिम व्हेन ही रिटर्न्स। एंड इंक्रीजिंगली डेस्परेट नोरा रीडबल्स हर एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट टोरवाल्ड फ्रॉम द लेटर, उसको फिर से डिस्ट्रैक्ट करती है नोबल लेटर पढ़ने से। अब यहाँ पे एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है।
शाम को शुरू होता है ये थर्ड एक्ट। हेलमर्स की एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं और मिसिस लिंडा कॉगस्टाक का हेलमर्स के घर में ही इंतजार कर रहे हैं। जब कॉगस्टेड आता है तो वह शुरू में मिसिस लिंडे के प्रति एनिमी नेचर रखता है, एक नेचर रखता है समझ सकते हैं, अज्यूमिंग हर ऑफ अबॉन्डिंग हिम फॉर ए रिचेज मैन। मिसिस लिंडे उसे बताती है कि उसने वह किया जो उसे परिवार को प्रोवाइड कराने के लिए करना था। आफ्टर रिवेलिंग दियर म्यूचुअली अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस द टू रिकनसाइल एंड एग्रीड टू मैरी। दोनों शादी करने के लिए एग्री भी होते हैं। कॉगस्टेड अपने लेटर को वापस लेने के लिए एग्री करता है बट मिसेस लिंडे स्टॉप है, लेकिन उसको रोक लेती है। शी बिलीव दैट, उसको सोचती है कि दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नोरा टू बी होनेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि नोरा उसके टॉरवेल के साथ होनेस्ट रहे। कॉगस्टेड देन डिपार्ट आफ्टर एग्रीइंग टू सेंड अ सेकेंड लेटर, क्लेरिफाइंग दैट ही नो लॉन्गर इंटेंड टू यूज नोरा फॉरगेसी अगेंस्ट द हैमलर्स। थोड़े समय के बाद नोरा और टॉरवेल पार्टी से लौटते हैं। मिसेस लिंडे उन्हें बधाई देते हैं कि और एक नोरा को बताते हैं कि कॉगस्टेड ने एक लेटर वापस नहीं लिया। मिसेस लिंडे लैन डिपार्ट एंड डॉक्टर रैंक अराइव्स। यूजिंग कोडेड मेटाफर्स ही टेल नोरा दैट हिज डिजीज हैज प्रोग्रेस टू ए फैटल पॉइंट एंड दैट ही प्लान टू लोकल लॉक हिमसेल्फ अवे इन ऑर्डर टू डाई। कहते हैं क्योंकि जो डिजीज थी वो भी और ज़्यादा बढ़ रही है और वो सोच रहे हैं कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे और मार लेंगे खुद को। नोरा उसे अच्छी तरह से सोने के लिए कहती है एंड आस्क हिम टू विश द सेम फॉर हर। आफ्टर डॉक्टर रैंक लीव, टॉडवाल चेक द लेटर बॉक्स। द फर्स्ट लेटर इज डॉक्टर रैंक्स दैट नोटिस। अपने दोस्त की मौत के बारे में सुनकर टॉडवाल दुखी हो जाता है। वह अदर लेटर को जो और लेटर थे उनको रीड नहीं करते। नोरा ने जल्दबाजी में घर छोड़ने के लिए तैयारी कर ली, जिसका इरादा खुद की जिंदगी खत्म करने का था। बिफोर शी कैन लीव टॉडवाल्स कन्फ्रंट हैज अबाउट कॉगस्टाक लेटर। रदर देन बिहेविंग इन द सिविलियर्स फैशन नोरा इमेजिन ही वुड टॉडवाल्स फैशनली ब्रेट हर। ही थ्रेट्स टू बार हर फ्रॉम सीइंग हर चिल्ड्रन बिकॉज ही बिलीव शी वुड कोऑपरेट देम। वो उसको उससे दूर जाने के लिए बोलते हैं, लगता है कि ये उनको भी अपने जैसा बना देगी अपने बच्चों को। इसके अलावा अपनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के बजाय ही प्लान टू गो अलॉन्ग विथ कॉगस्टाक्स डिमांड। टॉरवेल का डायट्री कॉगस्टेड के दूसरे लेटर के आने से इंटरप्ट है। दूसरे लेटर में नोरा का बॉन्ड और कॉगस्टेड का एक प्रॉमिस है कि हेमलस को उससे डरने की कोई बात नहीं है। टॉरवॉल्ड बहुत खुश है और उसने तुरंत नोरा को सब कुछ माफ़ करने का प्रॉमिस किया। हालांकि पहले लेटर पर टॉरवॉल के रिएक्शन देखने के बाद नोरा ने उसे छोड़ने का फैसला लिया था। वह टॉरवॉल और अपने पिता दोनों पर आरोप लगाती कि वह उसे एक तर्कसंगत इंसान के बजाय गुड़िया की तरह मानते हैं। टॉरवॉल ने उसे छोड़ने के लिए सोशल और मॉरल और रिलीजियस नतीजों का हवाला देते हुए मानने का प्रयास किया। हालांकि नोरा ने जोर देकर कहा कि उसे स्वतंत्र होना चाहिए और खुद के लिए भी सोचना सीखना चाहिए। सी इंसिस्ट दैट शी लॉ प्रोहिबिटेड वुमन फ्रॉम टेकिंग आउट लोन आर अनजस्ट एंड शी पॉइंट आउट दैट टॉरवॉल वुड हैव डाइड हैव शी नॉट टेकन इनटू taken him to Italy. Despite Torvald's begging, Nora leave him and her children. The final stage direction, Nora को उसके पीछे का दरवाजा बंद करते हुए दिखाया गया। मतलब इन दी फाइनल स्टेज में केवल नोरा को पीछे दरवाजा बंद करते हुए दिखाया गया और जो उसमें होता है कि टॉरवॉल्ड उसके मर जाता है और उसको इटली नहीं ले जा पाती। इटली नहीं ले जा पाती है।